पंजाब में बिहारी वोट बैंक पर कांग्रेस ने नजर गढ़ा ली है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनसे पंजाब में चुनाव प्रचार करने की अपील की। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के मौके पर पटना से मत्था टेकने गए कैप्टन अमरिंदर सिंह जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिले तो सियासी बातें भी हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नीतीश कुमार से अपील की कि जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़े हैं उसी तरीके से नीतीश कुमार पंजाब में कांग्रेस के लिए प्रचार करें। हालांकि कैप्टन ने कहा कि नीतीश ने उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। असी उन्होंने कल लंच खाया सी पटना साहब गुरुद्वारा साहब जाने तो बाद और मैं उन्होंने बेनती की थी कि तुसी आके साडे नाल उत्थे हिस्सा पाओ तो वो कहंदे असी फिर कॉन्टैक्ट करेंगे सर। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल से जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस सियासी गठबंधन के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनवाइट किया था नीतीश कुमार को कि वो आए पंजाब में और अगर चाहते तो उनके साथ चुनाव प्रचार करें, कांग्रेस को मदद करें। मैं तो कुछ नहीं कहता, हम तो श्रद्धा के लिए आ रहे हैं। जलंधर, लुधियाना, फगवाड़ा ये पंजाब के वो इलाके हैं जहाँ पे बड़ी गिनती में बिहार से आए लोग इंडस्ट्रीज उद्योगों में काम कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की इसी वोट बैंक पर नजर है, पर क्या नीतीश कुमार बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन की तर्ज पर मदद करेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार और अकाली दल के अच्छे संबंध हैं और अगर नीतीश पंजाब की सियासत में दखल देते हैं तो उनको ये फैसला करना आसान नहीं होगा। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली।